नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास, खबर पूरे डलई बाराबंकी से। सरकार चाहे लाख कोशिशें कर ले, गांव की शिक्षा व्यवस्था व साफ सफाई हेतु चाहे जितने अभियान चला ले, परंतु ये सारे अभियान और कार्य कागजी कोरम पूरा कर इतिश्री कर लिए जाते हैं। धरातल पर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी ग्राम पंचायतों में बने पुराने बदहाल पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र ज्यादातर ग्रामीणों के मवेशियों का आशियाना बन चुके हैं, या उनकी तस्वीर बदलने के नाम पर प्रधान व सेक्रेटरी के घरों में टाइल पत्थर लगते हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र पूरे डलई एवं विकासखंड पूरे डलई के उदयमऊ ग्राम सभा में बना आंगनबाड़ी केंद्र का सूरत हाल ये है कि यदि वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जांच पड़ताल के लिए पहुंच भी जाए तो अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर से पैर नीचे रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन लापरवाह कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी खाओ कमाओ नीति के आगे सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजना एवं नीतियों पर पानी फेर रहे हैं। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्त्रियों का कहना है कि विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी हर बार अधिकारियों से झूठा आश्वासन ही मिला है। आज तक आंगनवाड़ी केंद्र की दशा और स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र के सामने दबंग ग्रामीण निरंतर अपने मवेशियों को बांधकर गंदगी व कचरा फैला रहे हैं, जिससे हल्की बारिश होने पर भी आंगनवाड़ी केंद्र के सामने काफी कचरा युक्त जल जमाव हो जाता है, जिससे नौनिहाल बच्चों के गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। आंगनवाड़ी केंद्र की छतों में दरारें पड़ गई हैं, नीचे बैठने वाले कमरों में दर्जनों गड्ढे हैं व छतें लटक गई हैं। जर्जर दीवारें कभी भी टूटकर गिर सकती हैं। ऐसे में दर्जनों नौनिहाल बच्चे व महिला कार्यकर्त्री भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की बलिवेदी के भेंट चढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक किसी अधिकारी व कर्मचारी ने सुध नहीं ली। जब हमारे संवाददाता ने आंगनवाड़ी केंद्र की हकीकत जानना चाहा, तो वहां की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। फिलहाल अब देखना यह है कि CDPO व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की दशा में सुधार किया जाता है या यूं ही ज्यों की त्यों स्थिति बरकरार रहेगी। स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद्र की खास रिपोर्ट।